9:30 बज चुके हैं और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि अब तक कितना मतदान हुआ है। वो वोटिंग परसेंटेज जिसका इंतजार रहता है, वो इंतजार बस अब कुछ ही मिनटों में खत्म होने वाला है। मैं रूबिका लियाकत और मेरे साथ अपर्णा इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। सारे मुद्दों को अब एक तरफ रखा जनता ने और दूसरी तरफ अपना वोट, इसी वोट से अब उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा तय होने वाली है और उन्हीं वोटों से पंजाब का वोटर भी डिसाइड करेगा कि किसकी सरकार रहती है और किसकी राजनीतिक फसल जो है वो लहलहाती है। लेकिन बड़ी बातें अपर्णा, बिल्कुल बड़ी बातें यहाँ पर दर्शकों को बताएंगे यूपी और पंजाब चुनाव से जुड़ी हुई कि यूपी में अब तक कितने वोटिंग परसेंटेज हुआ है वो तो हम बताएंगे ही रूबिका, लेकिन उससे पहले यूपी के हाथरस की बात कर लेते हैं जहां जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है। मदिया खान की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं हाथरस से। हाथरस जिले के सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम की मौजूदगी है। सुबह 7 बजे पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है और पोलिंग और वोटिंग के लिए आप देखिए किस तरह से लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या मुद्दे हैं हाथरस जिले के लोगों के और किन मुद्दों को सोचते हुए यहां के लोगों ने वोट किया है, ये जानते हैं। साथ में कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, कुछ पुरुष भी हैं कि करके बात करते हैं। क्या नाम है आपका, किन मुद्दों को देखते हुए वोट किया? अब के बेरोजगारी बहुत और मजदूर बहुत परेशान रहा है, इस मुद्दों को देखते हुए वोट किया। क्या नाम है, किस मुद्दे को देखते हुए वोट किया? गली नाम है मेरा। क्या मुद्दा है आप? यही गरीबाई परेशानी दुनिया का और क्या है। हाथरस जिले की लड़कियों के क्या कुछ मुद्दे हैं, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, किन चीजों को सोचते हुए यहाँ की महिलाओं ने वोट किया? महंगाई के लिए, महंगाई कम होनी चाहिए, रोजगारी ज्यादा होनी चाहिए, रोजगार ज्यादा होना चाहिए, महंगाई कम, इस तरह से बाकी महिलाएं कह रही हैं। आपका क्या कुछ सोचते हैं? आपने नाम पर वोट किया है या काम पर वोट किया है? क्षेत्र में आपने किन मुद्दों को देखते हुए वोट किया? जी ये महंगाई और पाए काम धंधा उतना ही। यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ के जो पुरुष हैं, उन्होंने एक स्वर में कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को देखते हुए उन्होंने वोट किया है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मदिहा एबीपी न्यूज हाथरस। लगभग 2.25 करोड़ के आसपास जो है वोटर्स इस तीसरे फेज में है। कासगंज में देखिए मतदाताओं का जोश, रविकांत मेरे सहयोगी वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कासगंज में कितनी लंबी लाइन लगी है आप खुद ही देखिए। कासगंज के आजाद गांधी इंटर कॉलेज में है हम, जहां पर धूमधाम से वोटिंग चल रही है। काफी संख्या में सुबह सुबह लोग आ गए हैं और अपना अपना आधार कार्ड और पर्ची लेकर के यहां पर आए हैं। यहां महिलाएं भी काफी संख्या में वोटिंग कर रही हैं, जिनसे हमने पहले बात किया है। आप लोग बताइए कि क्या मुद्दे हैं आप लोग? हमारे मुद्दे हैं रोजगार मिले सब लोगों को और इससे रोजगार बहुत कम है। आप लोग बताइए। जी रोजगारी ही चाहिए, रोजगारी चाहिए, रोजगारी, रोजगार विकास भैया, महंगाई और रोजगारी, रोजगारी चाहिए, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का क्या मुद्दा है? वही मुद्दे का वोट देना क्या है? तो रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर वोटिंग हो रही है यहाँ पर और वोटिंग भी इतनी तेजी से हो रही है यहाँ पर। वोटिंग परसेंटेज कितना रहेगा ये देखने की बात होगी, लेकिन फिलहाल एक लंबी लाइन हम देख रहे हैं, सुबह सुबह वोटिंग हो रही है। रविकांत एबीपी न्यूज कासगंज। कासगंज की 3 सीटें हैं। 2017 की अगर बात करूं तो बीजेपी ने ये सभी की सभी सीटें अपने खाते में ली थी, लेकिन इस बार जनता का मूड क्या है वो 10 को हमें पता लग जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।